वेलकम टू एएसआर आईएएस इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के सवाल। तो सारे क्वेश्चंस, उनकी आंसर की और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि हम आंसर पे कैसे पहुंचे, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर हुआ 4th अक्टूबर को, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो टॉपिक वाइज अगर सेग्रीगेट करें तो ये है सेग्रीगेशन से, पॉलिटी से 17 सवाल है, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी से 6, एनवायरनमेंट से 15, एग्रीकल्चर 12, इकोनॉमी 15, साइंस एंड टेक 12 एंड इंटरनेशनल 3। सो ये 100 क्वेश्चंस हमारे थे। ये सेट ए के क्वेश्चन नंबर्स दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपने सेट से भी वेरीफाई कर सकते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। हिस्ट्री के अंदर भी जो है मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल और कल्चर का सेग्रीगेशन ऐसे है कि मॉडर्न से 10 क्वेश्चंस थे, एंशिएंट 5 क्वेश्चंस, मिडिवल 1 क्वेश्चन एंड कल्चर 4 क्वेश्चंस। सो वी विल स्टार्ट विथ मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री के जो 10 सवाल है, पहला सवाल है यहाँ पे, ये देखिए, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड मार्क्सिज्म इज, मतलब गांधी और मार्क्सिज्म में क्या एक कॉमन चीज है। तो ऑप्शन हमारे पास है ए, द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, बी क्लास स्ट्रगल, सी अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो अब हमको अगर गांधी फिलोसॉफी पढ़ी है हमने, मार्क्सिज्म तो इन जनरल आइडिया हमको है ही, मार्क्सिज्म में हम जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो क्लास स्ट्रगल की बात आती है, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात आती है, है ना, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एक फ्रेज लग रहा होगा हमको, तो That is fine, but then even the goal of a stateless society, Marxism does not want government, government governing in the sense. तो final goal जो है, मतलब ऐसे होना चाहिए कि सब एक साथ रहे, कोई government की जरूरत नहीं हो, कोई ऊपर नीचे ना हो, everybody is equal. So that's the final goal even in Marxism. So Marxism idea और गांधी idea में ये similarity actually है। गांधी's idea was also that government should not use pressure and power and control over the people. It should be self-government, जैसे हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो गांधीज आइडियल्स है, गांधीयन फिलोसॉफी इवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो है स्टेटलेस सोसाइटी, वो वही कंसेप्ट था, उन्होंने लोकल लेवल पे वो इम्प्लीमेंट किया, जैसे हमारे पास ग्राम पंचायत वगैरह होती है ना, ग्राम सभा कंडक्ट की जाती है जहाँ सब लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नेंस करते हैं। सो दैट इज लाइक अ स्टेटलेस सोसाइटी। सो फाइनल गोल जो था इवन गांधीज आइडियल वॉज दैट। सो दिस इज वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड मार्क्सिज्म। So this is the correct answer, A, final goal of a stateless society. So this is the explanation for it too. It was in South Africa that Gandhi formulated his views on a stateless society. कि उनको एक stateless society बनानी है, क्योंकि जब वो British colonial power के साथ भी लड़ रहे थे, तो उनको यही realize हुआ कि stateless society is what we want. In Marxism also, Marxist theory of a state considers that in post-capitalist society, The state is an undesirable institution. मतलब state, मतलब कि government जो है वो जरूरत नहीं है, उसको end में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. That is Marxist philosophy also. So Gandhian philosophy उसके मिलते जुलते हैं stateless society के perspective से. So when Gandhi also returned to India, वो भी convinced थे कि हमको government नहीं चाहिए. हालांकि government बना, even during British rule government बना. तो वो government में भी जब Indians थे, हमने देखा 1937 में भी जब इलेक्शन हुए एंड इंडियंस केम टू पावर एट स्टेट लेवल टू, गांधीज फॉलोअर्स केम टू पावर, ही सेज इनफैक्ट विद एवरी सक्सेसिव गवर्नमेंट मोर अथॉरिटी वाज वेस्टेड विद द स्टेट एंड इवन हिज स्टॉन्च फॉलोअर्स डिड नॉट गिव अप कंट्रोल, बिकॉज गांधी वॉन्टेड कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। पर उनके स्टॉन्च फॉलोअर्स भी जो थे गांधी के, वो भी वो टाइम पे भी वो ऐसे नहीं कर पाते थे, वो भी जो है जो लेफ्टिस्ट थे उनके अगेंस्ट पावर प्रेशर यूज करते थे, उनको जेल डाल देते थे, इवन व्हेन वी वर अंडर ब्रिटिश रूल। तो वो बात है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इट्स द आंसर इज ए, स्टेटलेस सोसाइटी। देन द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री इज, द गांधी अर्विन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो गांधी अर्विन पैक्ट, द पॉइंट्स व्हिच आर द ऑप्शन नंबर्स आर, फर्स्ट पॉइंट इज Invitation to Congress to participate in the Roundtable Conference. 2. Withdrawal of ordinances promulgated in connection with the Civil Disobedience Movement. 3. Acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses. And 4. Release of only those prisoners who were not charged with
वायलेंस। अब गांधी ओवन पैक्ट तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट नो इम्पोर्टेंट स्टेप है इवन इन द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो गांधी ओवन पैक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर सही से पढ़ा है तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गांधी ओवन पैक्ट में ऐसा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक कंडक्ट की गई थी, उसके बाद कांग्रेस हैप्पी नहीं था, इवन गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी। सो वॉट हैपेंड इज गांधी जी केम बैक एंड ही स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया फिर, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करना था, तो इसीलिए ये गांधी अर्विन, अर्विन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। सो ये पैक्ट हुआ दोनों के बीच में, और इससे फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी सस्पेंड किया गया। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफकोर्स राइट है। और उस टाइम पे जो फिर सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे भी जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे वगैरह, सिविल डिसोबीडियंस था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो वो जब वो जो जो लोग अरेस्ट हुए थे उनको रिलीज करने की भी मांग गांधी जी ने की, तो वो गवर्नमेंट ने बोला, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम उनको ही रिलीज करेंगे, दोज वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस, तो उनको रिलीज करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट भी थी, ऑर्डिनेंसेस भी सारे उस टाइम के प्रोमल्गेट किए गए, और एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। अभी एक जनरल भी आपको हिस्ट्री का आइडिया हो तो आपको पता होगा कि पुलिस एक्सेसेस मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्सेसेस किए प्रोटेस्ट के टाइम पे, जो उन्होंने सामने लाठीचार्ज किया या जो भी किया, उसके अगेंस्ट वो कभी अपनी पुलिस के अगेंस्ट वो इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। तो ये थर्ड पॉइंट जो है वो नहीं आएगा। इतना भी आपको क्लियर जनरल आइडिया से भी पता होगा तो आप यहाँ से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स इजियर। सो द ऑप्शंस हियर यू कैन सी, थ्री विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑप्शंस। सो 1, 4 and 2, सो दीज आर करेक्ट। इफ 1 and 4 इफ यू नो श्योरली करेक्ट, 3, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो बेसिकली द आंसर इज 1, 2 and 4। सो इवन ऑप्शंस हेल्प यू इन सिलेक्टिंग द राइट आंसर। सो एलिमिनेशन मेथड से सी और डी तो इजिली एलिमिनेट हो जाते हैं। And this is a very straightforward question. ये गांधी अर्विन पैक्ट के बारे में 5 मार्च 1931 को किया गया, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्ट मार्च जो था उसको डिसकंटिन्यू किया गया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हुई, ऑर्डिनेंस विड्रॉ हुआ, जो ऑफेंसेस जिनके अगेंस्ट थे, प्रोसिक्यूशन चल रहे थे, वो सब विड्रॉ किए गए एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग वायलेंस। प्रिजनर्स भी जो सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट करने के लिए अरेस्ट किए गए थे उनको भी रिलीज किया गया, टैक्स ऑन सॉल्ट भी हटाया गया। तो ये था गांधी ओविन पैक्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ ए, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, बी, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, सी, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, एंड डी, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। तो इंडिगो कल्टीवेशन जो था बाद में कम होने लगा, इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट तीन कथिया सिस्टम जो था कि 20th पार्ट ऑफ द लैंड में आपको इंडिगो कल्टीवेट करना है सारे फार्मर्स के लिए था, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किए गए। तो पीजेंट रेजिस्टेंस था ये तो पता है हमको, लेकिन पीजेंट रेजिस्टेंस के बाद ये हटाया गया, थोड़े कंसेशन हुए, लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन इवेंचुअली डिक्लाइन जो हुआ बाद में इसलिए हो गया क्योंकि सिंथेटिक डाइज बने, और ये क्लियरली लिखा है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में। आप मॉडर्न इंडिया की कोई भी बुक पढ़ोगे, विपान चंद्रा पढ़ो या इवन स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसमें क्लियरली लिखा है कि सिंथेटिक डाइज आए और इस वजह से इंडिगो कल्टीवेशन धीरे धीरे अपने आप कम हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, Wellesley established the Fort William College at Calcutta because, options are A, he was asked by the board of directors at London to do so, B, he wanted to revive interest in Oriental learning in India, C, he wanted to provide William Carey and his associates with employment, and D, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. So, चार options है। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया था कैलकटा में। आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करोगे पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट तो मिलेगी। तो उस टाइम पे ओरिएंटल लर्निंग को एनकरेज किया जाता था ना, फोर्ट विलियम कॉलेज बेसिकली यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स आके स्टडी करते थे, इंडियन लॉज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, इंडियन टेक्स्ट, इंडियन
बुक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे. तो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनको ओरिएंटल लर्निंग डेवलप करने में या इंडियन जो है ओरिएंटल मतलब ईस्ट की जो बुक्स है उनकी उनकी स्टडी करने में और उनको रिवाइव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. उनका बेसिकली बी हो रहा था, ओरिएंटल लर्निंग हो रहा था, पर उसका पर्पस क्या था, व्हाई डिड ही एस्टैब्लिश, नॉट बिकॉज ओरिएंटल लर्निंग उनको करना उनका ऑब्जेक्टिव था. ओरिएंटल लर्निंग वो कर क्यों रहे थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया. और ये सी ऑप्शन तो फनी ऑप्शन है, किसी के एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं चालू किया गया था, ऐसा कोई नहीं है. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिर्फ बोला तो कर दिया, ऐसा भी नहीं था. तो बेसिकली इट वॉज डी, सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो ये रहा देखो, सिविल सर्विस टू द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द बैकबोन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. द आइडिया वॉज टू टीच द ब्रिटिश रुकीज that they understand the oriental culture, tradition, law and administration to better coordinate in governance. So, काफी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में बुक्स जो है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई. तो कैलकाटा में कैलकाटा मदरसा बनाया गया, एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड फोर्ट विलियम कॉलेज. तो ये उसका पर्पस था. फिर नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन. Which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? So, सबसे पहले समझ लीजिए first half of 19th century क्या होता है. 19th century basically is 1800s के years. First half means 1800 to 1850. इस period में India पे क्या impact हुआ industrial revolution का, 1800 to 1850 means even before the revolt of 1857. So, यहाँ पे options है. Indian handicrafts were ruined. B. Machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. C. Railway lines were laid in many parts of the country. And D. Heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers. तो यहाँ पे basically Indian handicrafts were ruined because of industrial revolution, ये तो हमको पता ही है. B क्या है, machines were introduced in Indian textile industry. कोई machines नहीं लाए गए, Indian textile industry को नहीं develop किया गया. Industrial revolution जो हुआ वो Britain में हुआ, वो अपने फिनिश गुड्स यहाँ लाते थे, तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई डेवलप नहीं किया गया. और 1800 टू 1850 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो ये बी ऑप्शन गलत है. रेलवे लाइंस वाले, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, रेलवे लाइंस लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे था. लॉर्ड डलहौजी वाज जस्ट बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857, हिज टेन्योर वाज टिल 1856. तो 1850 के बाद ही हुआ है रेलवे लाइंस भी. तो ये भी रेलवे लाइंस ऑल्सो नहीं आए थे तब तक. और हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स. अब ये तो उल्टा ही हो गया, इम्पोर्ट जो हम ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम इम्पोर्ट कर रहे थे, उस पर कोई हैवी ड्यूटी नहीं थी. हमारे एक्सपोर्ट्स पे बल्कि हैवी ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स. तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो ऑफ कोर्स द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन. सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following events? So, four options diye hai. The Revolt of 1857, A. B. The Mappila Rebellion of 1921, C. The Indigo Revolt of 1859-60, and D. Birsa Munda's Revolt of 1899-1900. So, ye Ulgulan ya Great Tumult, in sab mein se kisko kehte? तो ये आपको अगर कोई आइडिया है तो ये आप ये आंसर दे सकते हैं. अगर आपने कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, देन इट बिकम्स अ प्योर गेस वर्क. तो बेसिकली ये एक्चुअली करंट अफेयर्स लिंक्ड भी है, क्योंकि बिरसा मुंडा, इनके बारे में, बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेशन के बारे में 15 नवंबर 2019 में ये ऑब्जर्व किया गया था. इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड हिज रिस्पेक्ट टू बिरसा मुंडा, तो इट वॉज इन न्यूज. तो उस टाइम पे जो आर्टिकल्स आए थे काफी ट्रेंडिंग भी था, बिरसा मुंडा जयंती ऑन ट्विटर एक्सेट्रा टू. सो ये उलगुलन ग्रेट टमल्ट तभी न्यूज में भी आ चुका है. तो इसका आंसर है डी, बिरसा मुंडा. ये देखिए, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900, ये ट्राइबल मूवमेंट था, इसके बारे में है. बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में हमारी टेक्स्ट में है, सारी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ोगे उसमें है. पर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ कि जो है ये ग्रेट टुमल्ट या उलगुलन इसको कहते हैं, वो नहीं लिखा है. तो वो उसके लिए आप अगर करंट अफेयर्स पढ़े हो गए और स्पेसिफिकली कोई आर्टिकल जिसमें ये मेंशनड है पढ़ा होगा, जैसे फर्स्ट पोस्ट का ये आर्टिकल है उसमें लिखा है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो इट ऑल्सो सेज दैट जो चीज न्यूज में होती है उसके बारे में और थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन हो तो इट हेल्प्स अस. फिर नेक्स्ट आता है
सेवेंथ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो देर आर थ्री स्टेटमेंट्स गिवन. वन, इट वॉर्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड. टू, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स. थ्री, द यूज ऑफ देश, देशेर कथा में जो देश है, द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल. ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. सो देयर आर फोर ऑप्शंस. सो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो बेसिकली हमको इसके बारे में हो सकता है कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन. जनरल हिस्ट्री रीडिंग में ये आपके सामने नहीं आएगा. तो यहाँ पे हम गेस वर्क भी करेंगे, तो इन्फॉर्म्ड गेस वर्क थोड़ा करेंगे बेस्ड ऑन ऑल द नॉलेज विच वी हैव गैदर्ड ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड द वे द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड ऑल्सो. तो देशेर कथा जो बुक है, अब अगर हम कह रहे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया है तो लग रहा है ये सही है, तो अज्यूम करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही भी है. तो सेकंड स्टेटमेंट, इट इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स. सो बेसिकली देशेर कथा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे थी, एक फैक्ट भी है. और अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा जा रहा है तो हो सकता है हुआ होगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो क्लियरली कहीं पे हिस्ट्री में लिखा होना चाहिए कि देशेर कथा की बुक के ऊपर कोई इंस्पिरेशन नहीं हुआ था, किसी ने कोई स्ट्रीट प्ले परफॉर्म नहीं किया था. तो वो नहीं हुआ था प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो इफ अ स्टेटमेंट इज गिवन इट माइट बी ट्रू, सो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ट्रू, है ना. इफ यू से इट इज इनकरेक्ट, देन शो मी प्रूफ दैट इट इज रिटन समवेयर दैट नो स्ट्रीट प्लेज वर परफॉर्म्ड. सो दैट्स व्हाई टू स्टेटमेंट ऑल्सो लुक्स लाइक बीइंग करेक्ट. सो वन एंड टू आर श्योरली करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट, द यूज ऑफ देश मीन्स ओनली बंगाल. अब स्वदेशी मूवमेंट वॉज इन बंगाल, ये सही है. लेकिन स्वदेशी मूवमेंट क्या सिर्फ बंगाल पे ही रिस्ट्रिक्टेड थी? जो स्वदेशी था, कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में 1904 1905 में हमने देखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी बन चुकी थी और सारे लीडर्स जो थे सारे रीजन से आते थे, ऑल ओवर इंडिया से. तो उस टाइम पे देश जो कंसेप्ट होगा सिर्फ रीजन ऑफ बंगाल के लिए नहीं हो सकता, इट शुड मीन द एंटायर कंट्री. सो बेसिकली द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी वन एंड टू. सो This is actually Desher Katha. It's a book written in Bengali by Sakharam Ganesh Deuskar. 1904 में पब्लिश हुई थी और ये इतनी फेमस हो गई थी कि उस ब्रिटिश ने इस बुक को बैन किया था. 13,000 कॉपीज और 5 एडिशंस इसके हो गए पब्लिश इन 5 ईयर्स. सो ब्रिटिश बैंड दिस बुक. देन नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन. द विट्टल विध्वंसक, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience, was published by, and there are 4 options. A. Gopal Baba Valangkar, B. Jyotiba Phule, C. Mohandas Karamchand Gandhi, and D. Bhimrao Ramji Ambedkar. So this is first monthly journal as having untouchable people as its target audience. तो अब अनटचेबल के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी काम किया है, मोहनदास करमचंद गांधी ने भी, और इवन आम्बेडकर. सो दे ऑल वर्क्ड फॉर दिस सेक्शन. बट देन जो हम पढ़ते हैं, हमने अगर स्टडी किया है हिस्ट्री, तो हमको ज्योतिबा फुले की क्या बुक्स है वो हमको सब पता है ना. मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भी जो हुआ द शूद्रज वगैरह जो लिखी हुई उनकी किताबें है वो हमें पता है. भीमराव अम्बेडकर, उनकी भी किताबें, उनकी जो जर्नल्स है, उनके नाम काफी प्रोमिनेंटली आते रहते हैं, बहुत सारे नाम. पर ये विठल विध्वंसक ये सुना हुआ नहीं है इन तीनों से रिलेटेड. तो आप इस पॉइंट से भी अगर आपने स्टडी अच्छे से किया और इस पॉइंट पे भी आप श्योर हो कि इन सब में से तो किसी का नाम इससे कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज दीज रिमेनिंग थ्री आर फेमस पीपल. सो स्टिल विद गेस वर्क एंड इन्फॉर्म्ड गेस वर्क यू कैन गेस दिस इज गोपाल बाबा वलंकर एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे है, इन 1888 गोपाल बाबा वलंकर बिगेन पब्लिशिंग मंथली जर्नल टाइटल्ड विठल विध्वंसक, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरेमोनियल पोल्यूशन. तो ये जो है विठल विध्वंसक करके ये मंथली जर्नल शुरू हो गई थी, जिसका टारगेट ऑडियंस अनटचेबल पीपल थे. तो फर्स्ट ऐसी जर्नल थी टारगेटिंग द सेक्शन. देन नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड. सो ये रखमाबाई केस के बारे में यहाँ पे ऑप्शंस दिए. फर्स्ट, मतलब पहले तो स्टेटमेंट्स दिए फिर ऑप्शंस आएंगे. फर्स्ट इज वुमेन्स राइट टू गेन एडुकेशन, सेकेंड एज ऑफ कंसेंट, एंड थर्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ये तीन स्टेटमेंट्स है, तीन पॉइंट्स है, मतलब इन सब में से रखमाबाई केस किस बारे में था. ठीक है, अब हमारे हम इसके बारे में अगर कोई आइडिया नहीं होगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है.
एज ऑफ कंसेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए. एज ऑफ कंसेंट इज बेसिकली कंसेंट फॉर मैरिज. एज ऑफ कंसेंट, कंसेंट फॉर हैविंग अ रिलेशन. ऐसे तो एज ऑफ कंसेंट कब, कंसेंट जो है आप नाबालिग कब हो, बालिग कब हो, वो बेसिकली व्हेन यू बिकम एडल्ट. तो एज ऑफ कंसेंट जो है वो रखमाबाई केस इससे रिलेटेड है. और कंजुगल राइट्स मींस मैरिज के बाद जो आपको रिलेशन की राइट्स मिलती है. रेस्टिट्यूशन मतलब उसको फिर से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब वो राइट्स को डिमांड करना कि ये मुझे राइट मिलनी चाहिए. तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये दो पॉइंट्स ऐसे करके ये एक साथ कनेक्टेड है. और वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन तीसरी पॉइंट दी गई है. यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट आंसर इज 2 and 3. सो बेसिकली रखमाबाई केस जो था, इसके बारे में आपने थोड़ा तो सुना ही होगा, इसकी जो बुक्स भी उन्होंने लिखी थी उनके बारे में पता होगा आपको. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये देखिए, इट वॉज इन 1885 रखमाबाई केस. तो यहाँ पे भिकाजी, भिकाजी वर्सेज रखमाबाई था ये. तो भिकाजी उनके हस्बैंड थे एंड ही हैड दिस केस फाइल्ड इन विच ब्रिटिश जज थे रॉबर्ट हिल पिनही. उन्होंने कहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ये केस मैं ऐसे इधर नहीं दे सकता, मतलब जैसे इंग्लिश लॉज में होता वैसे यहाँ यूज नहीं कर सकते हम उसको, क्योंकि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होते हैं ये कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में, मतलब कि आपको मैरिज के राइट्स चाहिए कि आप यू हैव अ रिलेशन, तो बोथ द एडल्ट्स शुड बी कंसेंटिंग. इफ द फीमेल इज नॉट रेडी यू कैन नॉट फोर्स, तो वो बात हो जाती है. तो ये जो था रखमाबाई केस, इसके अंदर काफी बवाल मचा था. इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट रखमाबाई, क्योंकि उन्होंने शादी जब हुई थी उनकी चाइल्ड मैरिज थी, तो जब चाइल्ड मैरिज में शादी हुई तो अब एक यंग लेडी को हम कंपेल नहीं कर सकते कि अपने हस्बैंड के साथ रहे, जो वो चाइल्ड मैरिज थी उसको फिर फुलफिल करे. तो उसके ऊपर ब्रिटिश जज ने भी जो रखमाबाई के फेवर में रूलिंग दिया था. लेकिन बाद में जो है फाइनल जो उनका रूलिंग आया था उसमें एक्चुअली कहा गया था कि रखमाबाई को जाके उनके साथ रहना होगा, नहीं तो 6 months का उनको प्रिजन टर्म मिलेगा. और रखमाबाई ने कहा था कि I will happily go for the prison term but not live with him. तो ऐसे करके पूरा केस था. तो बेसिकली यहाँ पे काफी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो इवन पुणे वीकली थी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक की महारट्टा, उसमें भी लिखा गया कि जो ये जजमेंट है कि ऐसे ये कंजुगल राइट्स इंस्टीट्यूशन हम नहीं कर सकते करके, तो ये हिंदू लॉज के अगेंस्ट है, ये रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं थ्रू वायलेंट मीन्स. तो ऐसे करके आर्टिकल्स लिखे गए थे. और इवन और आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स आते थे और आर्टिकल्स अंडर अ टाइटल हिंदू लेडी, तो हिंदू लेडी करके आर्टिकल्स आते थे, उसमें रिएक्शंस आते थे, जो ऐसे स्टेटमेंट्स आते थे उनके रिएक्शंस. बाद में पता चला ये हिंदू लेडी नाम से रखमाबाई खुद ही आर्टिकल्स लिख रही थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रही थी. तो ये पूरा केस था. तो जब ये रखमाबाई को बोला गो लिव विथ हर हस्बैंड और फेस 6 months इंप्रिजनमेंट, शी सेड आई विल फेस इंप्रिजनमेंट. बाल गंगाधर तिलक उन टाइम पे, उस टाइम पे उन्होंने केसरी में भी लिखा था कि रखमाबाई ये जो कर रही है कि मैं मानूंगी नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी नहीं, ये सब इंग्लिश एजुकेशन का नतीजा है. और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हिंदू खतरे में, तो वो टाइम की बात है. पर काउंट ऑफ व्यूज भी है, मैक्स मिलर उस टाइम पे जो इंडिया में थे, जो ओरिएंटल स्टडी करते थे, उन्होंने कहा कि रखमाबाई अपना इन्फॉर्म डिसीजन इसीलिए ले पा रही है क्योंकि वो एजुकेटेड है, तो वो समझ के अपना बेस्ट जजमेंट वो ले पा रही है. फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स. सो फर्स्ट वन इज औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, टू बनिया इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, थ्री मीरा सिदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. तो इस आगे है यहाँ पे, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज अ करेक्टली मैच्ड. And options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only और 1, 2 and 3, all 3. तो अब यहाँ पे थोड़ा आइडिया तो हमें होना चाहिए, ये जो है मॉडर्न इंडिया से लास्ट सवाल है मॉडर्न इंडिया का. तो बनिया इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है. औरंग, औरंग बेसिकली एक्चुअली करंट अफेयर्स, एक्चुअली नॉट करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी में है. 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक अगर आपने सही से पढ़ी होगी और उसका स्टडी किया होगा तो औरंग वर्ड वहाँ आता है, इसका डेफिनेशन दिया है. और औरंग का डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं. यहाँ देखिए, ये तो गलत ऑप्शन है. इट्स अ पर्शियन टर्म फॉर अ वेयरहाउस, अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, आल्सो रिफर्स टू अ वर्कशॉप. तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर 6 वीवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के चैप्टर में पेज 71 पे ये औरंग वर्ड एक बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि ये क्या मतलब होता है इसका औरंग का. तो औरंग का जो यहाँ पे मैच हमें दिया गया है ये गलत है. इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट गलत है. तो वन इज फॉर श्योर
इनकरेक्ट, सो वन इन ए और डी नहीं हो सकता, बी और सी में से ऑप्शन होगा, तो अगेन बनिया और मीरा सिगर, तो यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट आंसर बी है. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन नो डाउट, बिकॉज टर्मिनोलॉजीज जो आते हैं उनका स्पेसिफिक ये मतलब होता है, क्योंकि बनिया तो हम ऐसे भी यूज करते हैं, बनिया होते हैं, तो वो इंडियन एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी में. यहाँ पे द वर्ड बनिया इज टू बी फाउंड थ्रू आउट द एनल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट डिस्क्राइब्स द ट्रेडर्स. तो बनिया एक्चुअली ट्रेडर होते थे, बट दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन यूरोपियन मर्चेंट्स एंड इंडियन काउंटरपार्ट्स. तो यूरोपियन मर्चेंट्स और इंडियन मर्चेंट्स के बीच में जैसे ये बनिया रहते थे इंटरमीडिएट्स, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एजेंट वो, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो एक्टिंग एज अ मर्चेंट, तो एट दैट टाइम दे वर इंडियन एजेंट ऐसा. और मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये रेवेन्यू पेयर, तो ये भी है मिरासीदार. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंडेड क्लास इन ईस्टर्न इंडिया, तो प्री कॉलोनियल रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर थे वो, विच वॉज पेट्रोनाइज बाय द कॉलोनियल स्टेट ऑल्सो. तो मिरासीदार पहले से वो पोस्ट थी रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स के, कॉलोनियल रूल जब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टैब्लिश हुई और रूल करने लगी, तभी भी उन्होंने पोस्ट रखा है ना, तो ये भी एक इंटरमीडिएट हो गया बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पीपल. तो बनिया मिरासीदार सेम पर्सपेक्टिव में आते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है 2 and 3 ओनली. देन 11th क्वेश्चन नाउ इज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस. तो ये है इंस्क्रिप्शन का लिखा है, हूसोएवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद अ व्यू ऑफ ग्लोरिफाइंग हिज ओन सेक्ट, ही राधर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सिवियरली. इसका मतलब क्या होता है, अपनी रिलीजन को आप बहुत तारीफ कर रहे हो या किसी और रिलीजन की आप बहुत निंदा कर रहे हो, तो ये एक्सेसिव डिवोशन, अपनी रिलीजन को इतना, अपने सेक्ट को इतना, इतना आप डिवोटेड हो अपने सेक्ट से कि आप अपना इतनी तारीफ कर रहे हो, किसी और को इतनी बुराई कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो आपका रिलीजन अच्छा बन रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि आपका रिलीजन ही और बुरी तरह से जो है उसको इंजरी हो रही है, उसको तकलीफ पहुंच रही है, आप अपने रिलीजन को बदनाम कर रहे हो, किसी और को बदनाम कर रहे हो, एक्चुअली आप अपने ही सेक्ट को बदनाम करते हो फिर. तो ये ऐसे करके एक इंस्क्रिप्शन था, ये इंस्क्रिप्शन किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शंस 4 है, अशोका, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन और कृष्णदेवराय. अब यहाँ पे एक्चुअली कृष्णदेवराय और हर्षवर्धन ऑप्शंस लाइकली नहीं है, तो यहाँ समुद्रगुप्ता का भी इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, बट यहाँ पे एक्चुअली आंसर है अशोका. तो दिस इज देयर इन हिज मेजर रॉक एडिक, जहाँ पे पियादासी मेंशन किया गया अशोका को, ये काफी फेमस क्वेश्चंस कई बार ये आपने सुना भी होगा, पियादासी किसे कहते हैं, पियादासी करके जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे अशोका एम्परर का नाम नहीं लिखा है, पर वर्ड पियादासी, किंग पियादासी, तो अशोका अपने आप को उस इंस्क्रिप्शन में पियादासी मेंशन करते हैं, इसी इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि हूएवर हूसोएवर प्रेजेस हिज सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स. तो अशोका धम्म प्रोपोगेट कर रहे थे, बुद्धिज्म फैला रहे थे, पर वो भी ये मानते थे कि टॉलरेंस होना चाहिए. तो फार फ्रॉम बीइंग सेक्टेरियन, अशोका बिलीव दैट ऑल रिलीजन शेयर्ड अ कॉमन पॉजिटिव एसेंस एंड ही एनकरेज टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर रिलीजन्स. फिर 12th क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री इज, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड यू हैव इवेंट्स 1 राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1, establishment of Chola power by Parantaka, and D is Pala dynasty founded by Gopala. तो ये 4 है, और हमको पहली बार ये क्वेश्चन ऐसा आया है इन रिसेंट ईयर्स यूपीएससी में कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाओ. What is the chronological, correct chronological order of the above events starting from the earliest time? सबसे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ. अब आप देखोगे प्रतिहाराज, पल्लवास, चोलास और पालास, ये चारों जो है ये कंटेम्पररीज थे, इनका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पीरियड में, वही पीरियड में थे सारे ये डिनेस्टीज, और ये किंग्स के ऊपर है. सिर्फ डिनेस्टीज को आपको ऑर्डर में लगाना नहीं है, वो डिनेस्टी में ये किंग कब थे, किंग भोज कब थे, महेंद्र वर्मन कब, वन कब थे, परतंका, गोपाल, इन सब का देखना है हमको. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए है, और करेक्ट ऑप्शन इज सी 2, 4, 1, 3, इनके बारे में हम देख लेंगे एक्सप्लेनेशन, बट nobody prepares actually. आप prepare करें तो आप solve भी कर सकते हैं, लेकिन on these lines we don't prepare because UPSC never asks such questions. But अब वो पूछ रही है. तो पल्लवा dynasty जो थी वो 4th century to 8th century थी,
पल्लवा डिनेस्टी के महेंद्र वर्मन जो थे वो 600 to 630 AD के टाइम पे थे, तो आंध्र प्रदेश में वो रूल करते थे। गोपाला, ये पाला डिनेस्टी बंगाल में थी लिटिल आफ्टर दैट, तो गोपाला ही फाउंडेड द पाला डिनेस्टी। तो ये हमारी है 7th सेंचुरी, ये है 8th सेंचुरी, ये है 9th सेंचुरी और ये 10th सेंचुरी, तो एक एक 100 ईयर्स का फर्क है। पर इतना तो डिनेस्टी तो थी, गुर्जर प्रतिहारा डिनेस्टी उससे पहले भी थी, मीर भोज रूलर थे जो वो इस टाइम पे थे, परतंग का चोला रूलर जो थे वो इस टाइम पे थे। देन नेक्स्ट इज अगेन द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ ancient India, consider the following statements. 1. Panini is associated with Pushyamitra Shunga. 2. Amar Simha is associated with Harshvardhan. 3. Kalidas is associated with Chandragupta II. And statement question is, which of the statements given above is correct? And you have 4 options. So, yahan pe basically jo hai hame Kalidas ke bare mein pata hai, Chandragupta II, Vikramaditya, फेमस गुप्ता रूलर थे, उनके कोर्ट में कालिदास थे, उन्होंने काफी सारी फेमस बुक्स लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह, तो ये हमें कालिदास के बारे में तो पता है, चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में थे, और अमर सिम्हा भी फेमस संस्कृत स्कॉलर थे और वो भी चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। उनका नाम भी आप जनरल हिस्ट्री टेक्स्ट पढ़ोगे एंशियंट हिस्ट्री तो आपको ये नाम मिलेगा ही उसमें। तो ये दो तो कालिदास और अमर सिम्हा रिलेटेड टू कनेक्टेड विद एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू, so two statement becomes incorrect, three is incorrect, इतना तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो three is correct and two is incorrect, तो तीन options में two है, A, B और D में, तो हमारा एक ही option सही बचता है, C। पाणिनि जो है, पाणिनि famous संस्कृत grammar के थे, वो उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी famous है, और शुंगा dynasty actually काफी बाद में आई, तो पाणिनि से related नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो ये फर्स्ट के बारे में आपको इतनी आइडिया ना भी हो, इतना पता होगा आप जनरल एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आप आंसर दे सकते हैं। देखो पाणिनि वाज 4th सेंचुरी to 6th सेंचुरी BC और पुष्यमित्र शुंगा वाज इन 2nd सेंचुरी BC, तो बाद में आए हैं वो। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, सूत्र स्टाइल स्ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर, तो काफी फेमस बुक है, आज भी वो फेमस टेक्स्ट है, तो वर्सेस लिखे पाणिनि अष्टाध्यायी। और जो है चंद्रगुप्ता टू, गुप्ता रूलर जो थे चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य, उनके कोर्ट में 9 स्कॉलर्स थे, उनको नवरत्न का टाइटल दिया गया, तो वो नवरत्न में से जो फेमस है वो 4 काफी फेमस है, जैसे कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा संस्कृत स्कॉलर, अमर सिम्हा भी संस्कृत ग्रामरियन एंड पोएट थे, उन्होंने अमर कोश लिखा है, उनकी फेमस बुक है। धनवंतरी भी चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में थे, वो फेमस फिजिशियन सर्जन थे, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी की थी, तो धनवंतरी इवन द नेम इज एसोसिएटेड गॉडेस ऑफ यू नो हेल्थ, ऐसे धनवंतरी। तो सुश्रुता उनके स्कॉलर, उनके स्टूडेंट थे बेसिकली, सुश्रुत संहिता आपने सुना होगा अगर एंशियंट हिस्ट्री के टेक्स्ट पढ़े, तो ये सब मेडिसिन से रिलेटेड एंशियंट स्कॉलर्स है, तो ये धनवंतरी भी उनके कोर्ट में थे, और वराह मिहिरा ये हिंदू एस्ट्रोनॉमर एंड पॉलीमर थे, उनकी भी फेमस बुक्स है, जैसे आर्यभट्ट हम बहुत सुनते हैं, वराह मिहिरा भी उतनी फेमस है, तो बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका उनके बाद आर्यभट्ट वाज बिफोर हिम, तो वराह मिहिरा इज ऑल्सो फेमस, उनकी भी फेमस बुक्स है ये। तो ये है, तो ऑल फोर आर लिंक्ड विद चंद्रगुप्ता टू, तो ये स्टैंडर्ड बेसिक जो है ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, द फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म्स कुल्यवाप एंड द्रोणवाप डिनोट, तो 4 ऑप्शंस है, मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिलीजियस रिचुअल्स। तो अब यहाँ पे जो है 2 ऑप्शंस में लैंड आता है, तो थोड़ा आपका इंक्लिनेशन जाएगा कि ए या सी में से एक होना चाहिए, तो ये भी आप सुना है टर्म्स तो अच्छी बात है, वरना दिस इज ऑल्सो प्योर गेस वर्क, द करेक्ट आंसर एक्चुअली इज मेजरमेंट ऑफ लैंड ए। तो ये देखिए यहाँ पे कुल्यवाप, द्रोणवाप, अध्यवाप, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए, तो ये काफी सारे है, देखो पटाका भी एक टर्म है, ये सारे बंगाल के टर्म्स है, बंगाल में ये टर्म्स यूज किए जाते थे फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये यूनिट्स है, मेजरमेंट यूनिट्स है, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर कहते हैं ना वैसा। तो बाकी सेंट्रल इंडिया में वर्ड्स जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं निवरतन भूमि, और वेस्ट इंडिया में भी निवरतन पदवर्ता, ये सारे टर्म्स है, अब यहाँ से ऐसे टर्म्स हम कितने याद रख सकते हैं वो बात हो जाती है। इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंशियंट इंडिया, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंशियंट इंडिया इज विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डिनेस्टी इन एंशियंट इंडिया, द टाउन्स घंटसाला, कदुरा एंड चौल वर वेल नोन एज, एंड यू हैव फोर ऑप्शंस, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स, प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स सेंटर्स. तो अब बेसिकली गुप्ता डिनेस्टी है तो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स होने के चांसेस ऐसे थोड़ा कम लगता है. और ऐसा नहीं, गुप्ता डिनेस्टी में भी बुद्धिस्ट सेंटर्स थे, बट वी हैव नॉट हर्ड ऑफ दीज टर्म्स ऑल्सो. घंटसाला, कदुरा इतना सुना सुनने में नहीं आया. अगर आपने जनरल हिस्ट्री पढ़ा, अगर डिटेल्ड हिस्ट्री, ऐसे आप हिस्ट्री ऑप्शनल वाले नहीं हो और इतना डिटेल नहीं पढ़ा है तो आपने ये सुना नहीं होगा, तो डी नहीं लगता है. इवन स्टोन आर्ट आर्किटेक्चर आपने कल्चर अच्छे से किया होगा तो उसमें भी आपने नाम सुने होंगे, ये नाम इतने प्रोमिनेंटली कुछ आते नहीं है. और पावरफुल किंगडम्स, अभी गुप्ता डिनेस्टी है तो उसमें और पावरफुल किंगडम्स के कैपिटल्स ऐसे कुछ थे नहीं. तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप प्योर गेस वर्क भी करो तो आपका इंक्लिनेशन पोर्ट हैंडलिंग पे ही जाएगा कि गुप्ता डिनेस्टी में ये पोर्ट्स थे, तो ये करेक्ट ऑप्शन भी है. इफ यू कैन डू गुड गेस वर्क यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड से यहाँ आप इस आंसर पे पहुंच सकते हैं. तो ये पोर्ट्स है, ये एक्चुअली एक बुक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन बाय शैलेंद्रनाथ सिंह. तो इस किताब में मुझे ये कंटेंट मिला और कहीं को मिला नहीं. तो यहाँ मेंशनड है काफी सारे पोर्ट्स मेंशनड है एंशियंट इंडिया के. वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट्स में चौल मेंशनड है, ईस्ट कोस्ट पे घंटसाला, कदुरा थे, तो और भी काफी सारे पोर्ट्स के नाम है. पर ऑफकोर्स हम ये सब याद नहीं रख सकते, तो इन्फॉर्म्ड गेस वर्क से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप देम. देन नेक्स्ट इज, नाउ एक क्वेश्चन जो मिडीवल का है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रेफर्ड टू इन द सोर्सेज ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड. मतलब पोस्ट हर्षा पीरियड आ जाता है मिडीवल पीरियड, तो मिडीवल पीरियड में हमने हुंडी वर्ड जो सुना है वो क्या है, क्या डिफाइन, उसका डेफिनेशन क्या है, डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी. तो हुंडी एक्चुअली सिर्फ मिडीवल पीरियड का नहीं है, मॉडर्न पीरियड में भी यूज किया गया और प्रेजेंटली भी, इवन आरबीआई के रेगुलेशंस में उसके बारे में मेंशन किया जाता है. तो हुंडी शुड नॉट बी अ न्यू टर्म विच यू आर हियरिंग नाउ, अगर आपने स्टडी की है तो. सो ए इज एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, बी अ डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स, सी अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड डी एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स. तो ये एक्चुअली आंसर सी है. सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन. इकोनॉमी में भी आप हुंडी वर्ड सुना ही होगा आपने, अगर हिस्ट्री में नहीं सुना तो इकोनॉमी में सुना होगा. सो हुंडी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डेवलप्ड इन मिडीवल इंडिया फॉर यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, मतलब कि किसी को पैसा देना है तो जैसे हम कैसे आजकल चेक दे देते हैं कि आप चेक ले लो और अपने अकाउंट में ले लो पैसा, तो वैसे ही ये इनफॉर्मल सिस्टम होता था कि एक राइटिंग में ऑर्डर दे दिया कि इस पर्सन को इस जगह पे, क्योंकि अलग प्लेस पे कोई है तो वहां पे उसको पैसा कौन देगा, कैसे मिलेगा उसे पैसे, तो ऐसे हुंडी होती थी. तो उसके थ्रू वो पैसे जो है वहां पे उस जगह पे उस पर्सन को मिल जाते थे, लाइक अ चेक सिस्टम कि आपको बाद में पेमेंट हो जाएगा या आप अभी उनको दे दो, ऐसे करके. तो ये इनफॉर्मल सिस्टम है, इसीलिए आरबीआई के वेबसाइट पे भी लिखा है कि दिस इज नॉट हैविंग नो लीगल स्टेटस इन इंडिया टुडे एंड इज नॉट कवर्ड अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881. तो ये हुंडी इज इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. सो ये फिर आते हैं चार कल्चर के क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है 17 18 19 20, चार कल्चर है, टोटल 20 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री. द फर्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन हियर फ्रॉम कल्चर, द फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का 17th क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन इज, स्थविरवादींस बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म. अब कल्चर में बुद्धिज्म इज अ फेवरेट टॉपिक, सो दे गो इन डेप्थ इन कल्चर इन विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म. तो यहाँ पे ये टर्म्स आए हैं, स्थविरवादीन फिर भी आपने सुना होगा, लोकतरवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, एंड थ्री इज डीफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर्ड दी महायान बुद्धिज्म. डीफिकेशन मतलब कि डीटी बनाना, उनको भगवान बनाना ऐसे, तो डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा को भगवान बनाया गया. तो हीनायान महायान बुद्धिज्म तो आपने सुना होगा, है ना, तो ये ना ओल्ड स्कूल वाज हीनायान, महायान न्यू स्कूल की. तो स्थविरवादीन मतलब क्या, बेसिकली वो महायान बुद्धिज्म से अलग हो गए थे, तो दे डोंट बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, तो वन इज इनकरेक्ट. फिर लोकतरवादीन का ये एक स्टेटमेंट है, और डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, तो महायान बुद्धिज्म में जो है बुद्धा को एज अ गॉड वर्शिप किया जाता है, हीनायान में नहीं, तो ये डीफिकेशन महायान बुद्धिज्म में ही हुआ.
तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वो ये है, तो वन इज इनकरेक्ट मीन्स आपका आंसर बी या सी में से हो सकता है, और करेक्ट आंसर इसका है बी। तो ये बी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा देख लेंगे हम। संवेदना का ये जो है ये स्प्लिट हुए थे आफ्टर द एट द टाइम ऑफ द सेकेंड बुद्धिस्ट फॉर्म से, तो संवेदना का सेपरेट हो गए थे फ्रॉम महासंघ का। महासंघिका एक्चुअली इज लाइक वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स, तो ये एक्चुअली महायाना बुद्धिज्म का इनिशियल फॉर्म है महासंघिका। तो ये महासंघिका से अलग हुए थे स्थविरवादिन्स या स्थविर निकायस। और जो लोकतरवादिन्स थे उनको एक्चुअली उनका कोई अलग ऐसे स्पेशल कुछ है नहीं, डॉक्ट्रिन्स भी कुछ अलग नहीं है, तो वो महासंघिका से कोई इतने अलग नहीं है, तो दे आर एक्चुअली एक ही महासंघिका ही है वो, मतलब महायाना बुद्धिज्म के फॉलोअर्स ही है। और ये देखो तो तरंथ ऑल्सो सेज और भी नाम है, जैसे एकव्य वहारिकास, लोकतरवादिन्स जिसके पर हमारा क्वेश्चन था, गोकुलिकास, ये सब बेसिकली महायाना बुद्धिज्म के ही फॉलोअर्स है, तो ये भी और नाम है। तो बुद्धिज्म में काफी डिटेल में क्वेश्चन आता है, तो वी शुड नो, पर डिफिकल्ट क्वेश्चन था नो डाउट। देन नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम कल्चरल हिस्ट्री। With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of Paramitas? तो Paramitas के लिए चार options हैं। The earliest धर्मशास्त्र text written in aphoristic सूत्र style, है? तो ये textbook है, एक text है मतलब धर्मशास्त्र के texts हैं। Philosophical schools that did not accept the authority of Vedas, तो उनको Paramitas कहते हैं। C. Perfections whose attainment led to Bodhisattva path. D. Powerful merchant guilds of early medieval South India. तो अब यहाँ परमितास के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा तो आप बता सकते हो इनमें से क्या होगा। Answer again related to Buddhism है। Perfections whose attainment led to Bodhisattva path. That is the correct answer. Paramitas. It's a Buddhist term often translated as perfection. It is described in Buddhist commentaries as noble character. Qualities generally associated with enlightened beings. तो परमिता कहते हैं उसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो फर्स्ट वन इज परिव्रजका, रिनन्शिएंट एंड वॉन्डरर, श्रमणा, प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस, एंड सी इज उपासका, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो यहां पे फिर ऑप्शंस है व्हिच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, एंड ऑप्शंस आर 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3। यहाँ पे बेसिकली जो है आपका आंसर, आपको यहाँ से थ्री तो कई बार आया है, उपसक टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ले फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, सो थ्री ऑप्शन इज करेक्ट, यू मे हैव एन आइडिया, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द करेक्ट आंसर बिकॉज बी सी और डी तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो श्रमण, श्रम को हम समझते हैं काम करना, श्रमण अब ये क्या होता है, ये भी डिफिकल्टी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली श्रमण ऑप्शन गलत है, तो वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर है। श्रमण का मतलब होता है वैदिक कंसेप्ट ही है ये, तो श्रमण इज दोज हु प्रैक्टिस एन एस्केटिक और स्ट्रिक्ट सेल्फ डिनाइंग लाइफस्टाइल। जो मंक्स होते हैं ना, जो साधु संत होते हैं, जो फॉरेस्ट में चले जाते हैं, ऐसे एकदम एस्केटिक लाइफ रहते हैं, तो वो उनको श्रमण कहते हैं। तो श्रमण बेसिकली वैदिक कल्चर से शुरू हुआ, वैदिक रिलीजन से शुरू हुआ, पर फिर वो ब्राह्मण्स को नहीं मानते थे तो वो पूरे अलग हो गए और अलग सेक्ट भी बन गए, अलग रिलीजन्स डेवलप हुए, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, दे आर सेड टू हैव बीन हैव इमर्ज्ड फ्रॉम श्रमण मूवमेंट। तो ये श्रमण वर्ड जैनिज्म बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है। तो श्रमण इनकरेक्टली पैर था। उपासका संस्कृत पाली वर्ड है फॉर अटेंडेंट, मतलब फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, जो ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म है उनको उपासका कहते हैं। तो ये तो इसीलिए आपने सुना होगा। श्रमण अगर आपको पता होगा श्रमण इनकरेक्ट है, देन यू कैन कम टू द करेक्ट कंक्लूजन दैट 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज दिस इज डिफिकल्ट। देन द लास्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे चार पेयर्स है, फेमस प्लेस इन प्रेजेंट स्टेट, तो भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, एंड स्थानेश्वर यूपी। तो एक्चुअली बेसिकली ये इनके पुराने नाम दिए गए हैं, तो बेसिकली आज का नाम अगर इनका देखे
ये विदिशा है, भिलसा विदिशा, पुराना नाम विदिशा है, तो ऐसे हमको ये विदिशा, ये मध्य प्रदेश करेक्ट लिंक है। गिरिनगर इज गिरनार, गिरनार हमको पता है गुजरात में है। थानेश्वर इज थानेश्वर, थानेश्वर इज इन हरियाणा ना, लिंक टू इवन हर्षवर्धन, तो थानेश्वर हरियाणा ये पता होता है। तो ये इनकरेक्टली पेड है। वन इज करेक्टली पेड फॉर श्योर एंड थ्री इज करेक्टली पेड फॉर श्योर, फोर इज इनकरेक्टली पेड। तो हमारे ऑप्शन जो है वो कैसे है, एनी टू का है मतलब, तो दो ही करेक्ट है, तो ऑफकोर्स फिर वन करेक्ट है और फोर इनकरेक्ट है, तो हमारे पास वन एंड फोर नहीं आ सकता, तो वन एंड थ्री आएगा। तो द्वार समुद्र बेसिकली है वो कर्नाटक में, हलेबी कर्नाटक, इट वॉज द कैपिटल ऑफ होयसाला एम्पायर। तो ये भिलसा विदिशा में मध्य प्रदेश में उदयगिरी केव्स फेमस है, तो आप कल्चर में ये पढ़ते हैं इसके बारे में। द्वार समुद्र जैसे होयसलेश्वर टेम्पल वगैरह यहाँ होयसाला रूलर्स की है। गिरिनगर गिरनार फेमस है, काफी सारे जैन बुद्धिस्ट टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स है वहाँ पे, दिगंबर श्वेतंबर जैन टेम्पल्स है। थानेश्वर फेमस फॉर द थानेश्वर महादेव टेम्पल ऑल्सो इन हरियाणा। ये हमारा तो थोड़ा एलिमिनेशन और थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग हो ये ओल्ड नेम्स न्यू नेम्स का, तो हम इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। सो ये है हिस्ट्री के लिटिल ओवर द डिफिकल्ट साइड क्वेश्चंस होते, बट देन विद करेक्ट गेस वर्क एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग ऑल द नॉलेज, जितना आपने स्टडी किया उसको पूरा यूज करके आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।